मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, मेरे प्यारे बच्चों, हमने लेसन 8 तक हमने काम कर लिया। आज अपन लेसन जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है 9 लेसन, आत्मा अवलंबनम, संख्या बोध। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें आप देखेंगे कि पुल्लिंग के साथ पुल्लिंग का संख्या शब्द किस तरह से लगता है, स्त्रीलिंग में कौन सा संख्या शब्द लगता है और नपुंसकलिंग में कौन सा संख्या शब्द लगता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे समझेंगे तो आपको संख्या का प्रयोग करना भी आ जाएगा। संख्याओं का प्रयोग विशेषण के रूप में होता है। विशेष्य के लिंग विभक्ति और वचन के अनुसार ही संख्यावाची शब्दों का लिंग विभक्ति और वचन होता है। 1 से 4 तक की संख्याओं के तीनों लिंगों के रूप भिन्न भिन्न होते हैं तथा 5 से आगे की संख्याओं के लिंग समान होते हैं। कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिन्हें नीचे समझाया गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहले तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एक शब्द जिनका पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों लिंगों में अलग अलग प्रयोग होता है, और 2 शब्द का भी प्रयोग पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में अलग अलग होता है। इसी प्रकार 3 शब्द का भी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में अलग अलग प्रयोग होता है, और 4 शब्द का भी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में अलग अलग प्रयोग होता है। परंतु 5 से लेकर जितनी भी गिनती चलती है वो अनंतक अव्यय पद के रूप में प्रयुक्त होते हैं। परंतु मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैं एक बात बताना चाहूँगी कि 1 शब्द का रूप पुल्लिंग में पुल्लिंगवत होगा परंतु केवल 1 वचन होगा। इसी प्रकार 1 शब्द का स्त्रीलिंग में स्त्रीलिंग यानी लतावत होगा, केवल 1 वचन ही होगा, उसके द्विवचन और बहुवचन नहीं होते हैं। ऐसे ही 3 शब्द का रूप केवल बहुवचन में होगा, पुल्लिंग में पुल्लिंगवत, स्त्रीलिंग में स्त्रीलिंगवत और नपुंसकलिंग में नपुंसकलिंगवत। जैसे देखो मेरे प्यारे बच्चों, एक पालक खादति, यहाँ पालक शब्द पुल्लिंग है इसलिए 1 शब्द का प्रयोग हुआ है, 1 शब्द का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार श्रेया एका शोभना बालिका अस्ति, यहाँ पर बालिका स्त्रीलिंग है तो इसलिए 1 शब्द का स्त्रीलिंग का रूप अर्थात 1 शब्द का प्रयोग हुआ है। एकम शोभनम पुष्पम अपतत, यहाँ पर पुष्पम शब्द नपुंसकलिंग है इसलिए 1 शब्द का प्रयोग नपुंसकलिंग की तरह प्रयुक्त हुआ है। इसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों, 2 दव अश्व पुल्लिंग है इसलिए 2 का प्रयोग हुआ है। महिला स्त्रीलिंग है इसलिए 2 महिले का प्रयोग हुआ है। 2 पुस्तके, तो पुस्तके भी क्या है आपका नपुंसकलिंग है इसलिए 2 शब्द का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों, त्रय का मतलब होता है 3, पुल्लिंग में त्रय होता है, स्त्रीलिंग में तिस्त्र होता है और नपुंसकलिंग में त्रीणी होता है, यानी 3 गज जाते हैं, 3 शिक्षिकाएँ पढ़ाती हैं, 3 वाद्य यंत्र है। इसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों, चतवार का मतलब होता है 4, पुल्लिंग में चतवारा होता है, स्त्रीलिंग में चतस्त्र होता है और नपुंसकलिंग में चतवारी होता है। चतवारा खगा उड़यंती, 4 पक्षी उड़ते हैं। चतस्त्र कन्या क्रीड़यंती, 4 कन्याएं खेलती हैं। चतवारी किड़कानी संती, 4 खिलौने हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इन शब्दों का तो हिंदी अर्थ करेंगे ही करेंगे, साथ में नीचे आपको ये और दे रखा है। जैसे देखो, 5 वानरा 5 बंदर, 6 नक्षत्राणी 6 नक्षत्र हैं। 7 लेखन्य संति, 7 लेखनी हैं। 8 पत्राणी 8 पत्ते हैं। 9 ग्रह संति, 9 ग्रह हैं। 10 पुस्तकानी संति, 10 पुस्तक हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ये 1 से 10 तक की गिनती है वो अपने संस्कृत की नोटबुक में लिखेंगे, और साथ में ये सेंटेंस बना के दिए हैं उनको भी लिखेंगे और साथ में उनका हिंदी अर्थ भी करेंगे। ओके, करोगे? ओके, बाय।